इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को मद्देनजर रखते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में क्यों यूज़ होती है तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे दैन वी विल मूव स्टेप बाई स्टेप अहेड हेड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है उसके बारे में हमने काफी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर भी किए हैं अब हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है मैं आपके सामने उठा के लाता हूँ यहाँ पे एंड देन वी विल सी कि ये किस तरीके से हमें हेल्प कर सकती है यह है जी इन्फ्रेंशियल स्टेटस्टिक्स की डेफिनेशन ये एक्चुअली मैंने स्क्रीन लिया अपनी बुक का जो मैं लिख रहा हूँ तो इसी रोमन उर्दू के स्टाइल में आपको वो बुक पूरी की पूरी मिल जाएगी इन कपल ऑफ डेज इन्फ्रुएशियल स्टेटस्टिक्स एक ऐसी स्टेटिस्टिक्स होती है जो ऑब्वियसली ब्रांच है स्टेटस्टिक्स की पहली डिस्क्रिप्टन थी दूसरी इन्फ्एंशियल है जो डेटा सेट से कंक्लूजन निकाल लें पहली चीज़ इससे कंक्लूजन निकालते हैं प्रिडिक्ट करते हैं हम किसी चीज़ को और हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं नंबर थ्री इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये मेथड अक्सर छोटे सैंपल से लिए गए डेटा पर मुबनी होता है और फिर उससे डेटा के बेस पर बड़े पॉपुलेशन के बारे में हम जनरलाइज करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे पास एक पॉपुलेशन बहुत बड़ी है फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं ब्लू डॉट लगा रहा हूँ ये सारे के सारे ब्लू डॉट अगर पॉपुलेशन को शो करते हैं और इनमें से मैं कुछ सैंपल ले लूँ पाँच छः डॉट्स का ये जो आठ सैंपल मैंने डेटा सेट के लिए ये जो है ये हमारे पास सैंपल है और ये वाला ब्लू वाला जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी ठीक है पॉपुलेशन होती है सारी की सारी और सैंपल होता है छोटा अगर मैं इस सैंपल के बारे में कुछ समराइज करता हूँ या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को मैं रन करता हूँ तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसको हमने पिछले दिनों में अच्छे तरीके से देखा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेकिन अगर हम इसकी बेस पे तीन काम करें कौन कौन से तीन काम अब ये वाले तीन काम आपके सामने है पहला है कंक्लूजन निकालें नंबर वन इज कंक्लूजन ड्रॉ करें कंक्लूजन ड्रॉ करें नंबर टू इज प्रेडिक्ट करें और नंबर इज अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करें ठीक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये तीनों के तीनों आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंदर ठीक है अब इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये किस तरीके से तीनों जो पॉइंट हैं उनको हम लेके चलेंगे और किस तरीके से ये तीन के तीन पॉइंट है हमें हेल्प आउट करेंगे टू लर्न मोर अबाउट इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स हम इसको बारी बारी अब देखते हैं पहली चीज ये है कि जब भी आप इन्फ्एंशियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी पढ़ें तो आपके माइंड में तीन पॉइंट्स होने चाहिए कंक्लूजन प्रोडिक्शन एंड हाइपोत्सिस टेस्टिंग और स्टेटिस्टिक्स के अंदर हाइपोत्सिस टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी होता है ठीक है इसको बोलते हैं इन्फ्एंशियल स्टेटिस्टिक्स अब इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स के और भी इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं नंबर वन जो की टर्म्स वेरिएबल्स नंबर टू इज आप इसके अंदर जो सेकेंड चीज देखते हैं वो यूजली हाइपोथसिस टेस्टिंग ही होती है ठीक है मतलब ये कि जब आप इंफ्रेंशियल uh, स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं या इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को गौर से स्टडी करते हैं तो आपके पास जो मेन चीज आती है वो आती है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड होती है आपके पास इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सेकंड पे क्यों है क्योंकि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेस पे आप बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा या सॉरी पॉपुलेशन पे क्या असर होगा और उसमें कौन कौन से प्रोडिक्शन आ सकती हैं मीन्स टू से ये जो हमने कंक्लूजन और प्रोडिक्शन का बताया है ना ये हाइपोत्स टेस्टिंग के बाद ही हम कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब है इंफ्रेंस तभी जनरेट करेंगे जब हम हाइपोत्सिस टेस्टिंग जो है उस पर काम करेंगे अब हाइपोत्सिस टेस्टिंग के बाद अगली जो चीज हमारे पास आती है मी राइट इट डाउन वो आती है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद अगली जो चीज हमारे पास आएगी ऑब्वियसली जो मल्टीपल मीन कंपैरिजन के डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं वो इन दोनों को हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद हम मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स जो मैंने आपको कल चूजिंग अ राइट स्टेटिस्टिकल मैथड परसों वाले लेक्चर में बताए थे वो इसके अंदर आएंगे ठीक है नंबर फिफ्थ पे आपके पास मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मेन के जो मेन मेन चीजें हैं उसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस भी होंगे और अनोवा भी होगा ठीक है और डिफरेंट किस्म के और भी एनालिसिस इसके अंदर मौजूद हैं सो हम बारी बारी आगे चलते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखेंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है ठीक है अब एक चीज याद रखें कि इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में इंफ्रेंस तब ही जनरेट होगा जब आपके पास डेटा होगा ठीक है डेटा की बेस पे हमने चार चीजें देखनी थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे पास जब डेटा हो डेटा की बेस पे सबसे पहला काम हम डिस्क्रिप्टिव में ये करते हैं कि हम डेटा की कंपोजिशन देखते हैं यह डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का मेन काम है कंपोजिशन और फिर हमने देखा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देन हमने जो तीसरा काम देखा और देखने वाले हैं वो होगा कंपैरिजन एंड नंबर फोर रिलेशनशिप इसको मैं बोलता हूं तो अगर आप गौर करें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी आपने देख लिया है डिफरेंट किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की होती है कंपोजिशन भी आपने देख ली है हमारे पास अब कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप है कंपैरिजन जब हम दो चीजों को करते हैं तो ये दो चीजें या तो एक जैसी हो सकती हैं यानी कि दोनों सेम हैं या एक डिफरेंट है और दूसरी डिफरेंट हो सकती है ठीक है सो दो ही कंडीशन हो सकती हैं या तो दोनों सेम हो सकती हैं या दोनों डिफरेंट हो सकती हैं और ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस जो है ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पे नाल निकालते हैं फिर रिलेशनशिप जब आता है रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है या एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है या एक के बढ़ने से दूसरी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ठीक है सो वी कैन हैव थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हेयर एज वेल जिसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं और न्यूट्रल रिलेशनशिप कहते हैं इसके अलावा और भी रिलेशनशिप होते हैं वी विल सी दैन बट फॉर नाउ वी हैव दीज थ्री रिलेशनशिप्स हेयर फिर इन तीन रिलेशनशिप की बेस पर हम आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक है अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हाईपोथसिस टेस्टिंग इसके ऊपर जाएंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पढ़ लिया देन वी विल सी के कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है अब सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखते हैं